दोस्तों तो यार आपका भाई आज नए वीडियो के साथ हाजिर है आपके साथ तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि इंग्लिश जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आईबीए, एनटीएस, पीटीएस और अदर टेस्टिंग सर्विस सर्विस में ठीक है तो यार आपने नोट किया होगा कि चाहे वो कोई भी टेस्टिंग सर्विस हो आईबी हो आईबीए हो या पीटीएस एनटीएस या ओटीएस कोई भी टेस्टिंग सर्विस तो इंग्लिश जो होती है वो लाजमी होती है उसमें दस पंद्रह क्वेश्चन या बीस पे क्वेश्चन इंग्लिश के लाजमी होते हैं तो यार जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अक्सर रिपीट भी होते रहते हैं टेस्टिंग सर्विस में ठीक है वो अक्सर रिपीट भी होते रहते हैं और ये वीडियो आपके मतलब ज़बरदस्त होने वाली है वीडियो को पूरा देखें ठीक है चलिए शुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डैश इज़ द नेम ऑफ अ पेलेस पर्सन आर थिंग्स ऑप्शन तीन है ए नाउन एडजेक्टिव कामन ठीक है तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए नाउन ठीक है तो यार चल चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ तो दूसरा क्वेश्चन है अ नाउन विच नेम फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन एंड एंड टच टचड इज नाउन एज नाउन एब्सट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्क्रैक्ट सही है तो इसके इसका जो सही आंसर है वो है बी ठीक है एबस्ट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट इज अनाउन विच फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन एंड टाउन एज एब्सट्रैक्ट तो तीसरा क्वेश्चन है अनाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन आर स्टेट विच कॉन्ट बी सीन एंड टो इसके एबस्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन में एक्जेक्टिव है तो इसका जो सही आंसर है वो है ए एब्स्ट्रैक्ट ठीक है अनाउन दो कैन बी काउंटेड ड ऑप्शन काउंटेबल अनकाउंटेबल और नाउन ठीक है इसका जो सही आंसर है वो है ए काउंटेबल क्वेश्चन नंबर फाइव है अन नाउन दोज के नॉट बी काउंटेड इस कॉल्ड अनकाउंटेबल काउंटेबल एब्रैक्ट तीन ऑप्शन है इसका जो सही आंसर है वो है ए अनकाउंटेबल ठीक क्वेश्चन नंबर सिक्स है एपल इज द डैश नाउन एप्पल कौन सा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट है कौन conc कॉन्क्रेट है और नॉन तो इसका जो सही आंसर है वो है बी कॉन्क्रेट ऑनेस्टी इज़ अ डैश नाउन ऑप्शन तीन कॉन्क्रेट एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन तो इसका जो सही आंसर है वो बी है एब्स्ट्रैक्ट ऑनेस्टी इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बुक्स आर डैश नाउन इसका ऑप्शन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है और लास्ट में नाउन है इसका जो सही आंसर है वो है काउंटेबल ए साल्ट इज अ डेस नाउन अनकाउंटेबल काउंटेबल बोथ तो इसका जो सही आंसर है वो ए है साल्ट अनकाउंटेबल नाउन अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन पैलेस एंड थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन और बोथ ए एंड बी इसका जो सही आंसर है करेक्ट बी ठीक है कॉमन नाउन कॉमन नाउन गिव एवरी पर्सन गिवन टू एवरी पर्सन पेलर्स एंड थिंग्स ठीक क्वेश्चन नंबर इलेवन है गर्ल गर्ल इज अ डैश नाउन गर्ल प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन और बोथ इसका जो सही आंसर है बी है गर्ल इज अ कामन नाउन

द डेज ऑफ वीक इज कॉल्ड तो वीक के जो डेज होते हैं उसको क्या कहते हैं कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन और नाउन तो इसका जो सही आंसर है भी है प्रॉपर नाउन नेम द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज़ कॉल्ड ऑप्शन नाउन प्रॉपर नाउन कामन नाउन इसके जो सही आंसर है भी है प्रॉपर नाउन अ नेम ऑफ ग्रूप आर कलेक्शन पर्सन थिंगस इज गर्ड कंपाउंड नाउन प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन इसका जो सही आंसर है सी है कलेक्टिव नाउन अडेश प्लेयर्स क्लास टीम स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर है वो है बी टीम अ टीम ऑफ प्लेयर्स प्लेयर्स सॉरी ये प्लेयर्स नहीं है प्लेयर्स है ठीक अडेश ऑफ शीप ठीक है ऑप्शन फ्लॉक है स्वयं हर्ड तो इसका जो सही आंसर है वो सी है हर्ड अ, अ, हर्ड ऑफ शीप डेश ऑफ बी बीज ऑप्शन लेटर है फ्लॉक स्वयं तो आपको पता है तो प्लीज कमेंट में बता दें कि इस, इसका कौन सा आंसर है ठीक है वर मैं बता देता हूँ ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो स्वयं है सी ठीक है अब स्वयं ऑफ बीज डेश ऑफ कीज स्ट्रिंग बंच और नॉन तो इसका जो सही आंसर है वो बी है बंच ऑफ कीज़ तो यार ये थे इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन इन चाहे वो एन टी एस आई बी ओ इन टेस्टिंग सर्विस में अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और इस तो यार अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद